नमस्कार, आपने द ललन टॉप देखना शुरू कर दिया है। मैं हूं प्रशांत। खबर पर बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि हमारे संपादक सौरभ द्विवेदी जी यूपी की यात्रा पर निकल चुके हैं। लाइव आएंगे, आपसे मुखातिब होंगे, ब्लॉग्स हैं और भी बहुत कुछ हैं, लेकिन सिर्फ ललन टॉप यूपी चैनल पर। तो फिर देर किस बात की, फटाफट सब्सक्राइब करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं खबर की तरफ। खबर है उत्तराखंड से। उत्तराखंड अक्सर अपने आने वाली आपदाओं के कारण चर्चा में रहता है। कभी भूस्खलन की घटनाएं होती हैं, कभी बादल फटने के मामले सामने आते हैं, लेकिन लगता है कि उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन और पुनर्वास मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इन सब का हल निकाल लिया है। उन्होंने एक ऐप तलाश कर ली है। हैरान मत होइए, आप सही सुन रहे हैं, धन सिंह रावत ने दावा किया है कि एक ऐसा ऐप भी है जिसके जरिए बारिश कम या ज़्यादा हो सकता है, आगे या पीछे किया जा सकता है। धन सिंह रावत के पास उत्तराखंड सरकार के कई महत्वपूर्ण विभाग हैं। इसमें चिकित्सा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, सहकारिता, उच्च शिक्षा, आपदा प्रबंधन, पुनर्वास और प्रोटोकॉल जैसे विभाग शामिल हैं। सोमवार 30 अगस्त को न्यूज़ 24 ने एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया। इसमें उत्तराखंड सरकार के मंत्री धन सिंह रावत कह रहे हैं कि एक रिपोर्ट ये बनाएगी, उसने IIT रुड़की को भी हमने जोड़ा है, जो हमारे अनुसंधान केंद्र है उनको भी जोड़ा है, 3-4 लोगों को जोड़ा है उसमें। और उसमें हमने कहा है कि वो ये तय करेंगे कि हमको किस क्षेत्र में कितनी आपदा आने वाली है, और वो ताकि हम वहाँ अलर्ट कर देंगे पहले लोगों को भी, और अपनी जितनी मशीनरी हमारी, चाहे PWD का है, चाहे सिंचाई विभाग का है, चाहे कोई भी विभाग है, चाहे स्थानीय प्रशासन है। अब तो एक ऐसा ऐप भी आ रहा है कि जो कह रहा है कि अगर कहीं पे ज़्यादा बारिश होती है तो बारिश को थोड़ा आगे पीछे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये जो भारत सरकार को मैं उस प्रेजेंटेशन को दिखाने वाला हूँ, और भारत सरकार अगर उसमें अनुमति दे देती है तो मुझे लगता है कि कई राज्यों के लिए वो भी बहुत अच्छा हो सकता है। बयान सामने आने के बाद लोग कहाँ चुप बैठने वाले थे, वे अब धन सिंह रावत के कमेंट पर मजे ले रहे हैं। कुछ उदाहरण देखिए। विकास नाम के यूजर ने लिखा, बहुत दिनों से सन्नाटा था, चलिए कोई तो आया जिंदा दिल। केशव शरण नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा, मुझे लगता है कि नेताजी विज्ञान को फेल करके ही मानेंगे, वजह यह है कि इन लोगों को कोई पूछता है ही नहीं, इसलिए सुर्खियों में आने के लिए सस्ती लोकप्रियता का सहारा लेते हैं। एक और ट्विटर यूजर आशाश्री लिखती हैं, कमाल हो गया मंत्री जी, बारिश को आगे पीछे कर सकते हो, तो ठीक है, बिहार MP में बाढ़ और बारिश लोगों को बहुत परेशान करती है, वहाँ भी कृपा कर दीजिए। उत्तराखंड में बादल फटने से तबाही बहुत होती है, उससे भी राहत दे दीजिए। वैसे बता दें कि बारिश पर कंट्रोल का तो नहीं, लेकिन वैज्ञानिकों ने कृत्रिम बारिश कराने का दावा ज़रूर किया है। बारिश को नियंत्रित करने की बात शायद पहले कहीं नहीं हुई हो, लेकिन हो सकता है कि धन सिंह रावत जो कहना चाह रहे हैं उसे ठीक तरीके से बता नहीं पाए। शायद इसी कारण उनकी बात सुनने में अजीब सी लग रही है। धन सिंह रावत बता रहे हैं कि भारी बारिश जैसी आपदा से निपटने के लिए IIT रुड़की और सरकारी अनुसंधान केंद्रों के सहयोग से टूल बनाया जा रहा है। इस टूल के जरिए मौसम और बारिश के बारे में पता किया जा सकेगा। अच्छा है कि अगर किसी टूल से पता चल सके कि किसी क्षेत्र में बारिश कितनी होने वाली है, इससे राहत और आपदा प्रबंधन से जुड़ी तैयारियां की जा सकेंगी। लेकिन पहली बार में धन सिंह रावत की बात पर भरोसा करना मुश्किल जरूर है। आप देख रहे थे ललन टॉप, मैं हूं प्रशांत, बने रहिएगा हमारे साथ। शुक्रिया।